हेलो दोस्तों, वेलकम टू वापस तक क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास टेंथ में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका जो चैप्टर नंबर 13 है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके मेरे प्यारे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम 2023 में आने के पूरे चांसेस हैं वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा था, ठीक है। इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर्स हैं उनके। हम चैप्टर नंबर 13 का आपका जो है हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से 2022 बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप यूपी बोर्ड का आंसर पेपर उठाना, वहां पर जो चैप्टर नंबर 13 मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मतलब 2022 में आए हुए सभी प्रश्नों को मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं, जो 2023 में आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। लगभग मैं आपको इस चैप्टर से मैं आपको कम से कम 20 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। 3-4 लेक्चर्स में मैं आपको 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और आप देखेंगे कि इन 20 क्वेश्चन में आपको 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यहाँ से 6 नंबर का, 1-4 नंबर का क्वेश्चन, 1-2 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ से आप देखेंगे ये 2 नंबर मतलब 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये 100% गारंटी है हमारा। अगर आप चारों लेक्चर देख लेते हैं तो इसमें कहीं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गारंटी है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। आज हम क्वेश्चन किसमें बात करेंगे, जो 2022 में क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है और ऊंचाई इसकी कितनी दी गई, 14 सेंटीमीटर। तो बेलन का आपको वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब बेलन का आपको वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है, ठीक है। बेसिक समझाते हैं, देखो ये क्वेश्चन आपका 2022 के पहले ही सेट में आपको क्वेश्चन आया था, ये दोनों क्वेश्चन आपको वहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है। 1 बाय 1 देखेंगे। देखो कह रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या, देखो बेलन मैं आपको बना करके दिखाता हूँ बेलन कैसे बनेगा। इस प्रकार से आपका एक बेलन हो गया, ठीक बात है। आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई तकलीफ यहाँ पर हमको नहीं है, ये बेलन हो गया आपका। अब इसमें क्वेश्चन में कहा गया बेलन के आधार की त्रिज्या, देखो त्रिज्या आपकी यही हो जाएगी, आपकी त्रिज्या तो यही हो जाएगी ना। तो त्रिज्या किससे डिनोट करते हैं, आर से। ये आर आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। अब आगे कहा गया ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, यही तो आपके बेलन की ऊंचाई होती है। आप कहेंगे जी बिल्कुल होती है, यही बेलन की ऊंचाई होती है और ये ऊंचाई आपको दी गई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे प्यारे भाई। आप क्या करेंगे, देखो अब आपसे कहा गया बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब बेलन का वक्रपृष्ठ आपको ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपको लिख लेना है कि बेलन का वक्रपृष्ठ इसको शॉर्ट फॉर्म में CSA कर्व सरफेस एरिया से दर्शाते हैं। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πRh, ये होता है आपका, ठीक बात है। आप क्या करेंगे, देखो 2 लिख लिया, पाई का मान अभी आपको नहीं रखना है, देखते हैं आगे कैलकुलेशन जैसा होगा, पाई लिख लेते हैं। आर की वैल्यू आपको 4 दी गई है, लिख लेना है। एच का मान आपको 14 दिया गया है, 14 लिख लेना है, ठीक बात है। अब क्या करना है हमें करना ये है कि 4 दुनाई कितना हो जाएगा, 8, तो 8 × लिख लेना है। अब पाई का मान रख दो 22/7 लिख लेते हैं और यहाँ पर 14 आपका हो जाएगा, ठीक है। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = कितना हो गया, 14 कट गया। अब देखो 8 × 16 या ऐसे लिख सकते हैं बराबर करके 8 × देखो 22 × कितना हो जाएगा, 44 लिख लेते हैं। अब इसको गुणा करा लेते हैं तो 8 × 4 = 32 कैरी आपका 3 आया, 2 यहाँ पर लिख लिया, 8 × 4 = 32, 32 × 3 आपका हो गया 35। अब ये देखो मेरे प्यारे भी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लगेगा, लेकिन अगर आप वक्रपृष्ठ निकाल रहे हैं तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे भाई आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ये सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आया था, इसको आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में ही आया था, 4 नंबर में क्वेश्चन, देखना ये 4 नंबर में क्वेश्चन आया था और ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया था, सेम ही सेट में आया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि, देखो परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2πr, तो 2πr की डायरेक्ट वैल्यू दी गई है 24π, ठीक है। क्या दिया गया, 24π। परिधि की डायरेक्ट, परिधि आपको पता होगा परिधि कैसे कहते हैं, 2πr को, और परिधि का 2πr का डायरेक्ट वैल्यू दिया गया 24π, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप त्रिज्या निकाल सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से आप भाग कराएंगे इसे तो 12 बार चला जाएगा, तो यहाँ से रेडियस आपको पता चल गया 12। अब देखो सेंटीमीटर में है इसको सेंटीमीटर लिख लेते हैं, 12 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या मिल गई। अब देखो लंब वृत्तीय शंकु कह रहा था ना, तो शंकु यही तो होता है आपका कोण, जो आपकी बर्थडे वाली टोपी, हैप्पी बर्थडे, ठीक है, वही वाली टोपी आती है, ठीक है। तो ये शंकु हो गया आपका। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि जो आपकी रेडियस है, रेडियस आपकी यही होगी त्रिज्या ये आपको 12 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि आपका ऊर्ध्वाधर ऊंचाई आपकी ये हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो ये हाइट आपकी दी गई शंकु की ऊंचाई
5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या कहा है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में कहा गया है शंकु का आयतन ज्ञात करें। शंकु का आयतन, तो बताओ शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है, आयतन को वी से डिनोट करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखो यहाँ पर 1/3 लिख लेते हैं, अब वॉल्यूम ही तो निकाल रहे हैं, वी से दर्शा देंगे, पाई का मान अभी नहीं रखते हैं, जैसे देखा जाएगा होगा आगे। अब देखो आर, आर का यहाँ से हमने परिधि से निकाला आर 12, तो इसको 12 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12 × 12 दो बार लिख लें कोई दिक्कत, अरे 12 का स्क्वायर लिखो या 12 × 12 लिखो, ठीक है। अब यहाँ पर h है, तो h कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख लिया हमने, ठीक है। आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो यहाँ से 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 कट गया, 4 बार गया। अब देखो यहाँ पर देखो 5 × 4 = 20 हो गया, तो यहाँ से आपका 20 आ गया, × 12 × 12 × π, ये बचा आपका, देखो हमने इन दोनों का गुणा करा लिया, तो 4 × 5 कितना हो गया, 20 हो गया। अब देखो बचा 1 बार आपका ये 12 लिख लिया, 1π आपका बचा, 1π लिख लिया, ठीक है, ये वॉल्यूम है आपका। अब यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा आपको दिखे जो कि, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू देखो 12 × 24 मतलब 240 आपका, 240π, पाई में ही रहने देते हैं, 22/7 मतलब वैल्यू नहीं रखते पाई का, ठीक है। तो देखो यहाँ से 20 का गुणा आप 12 में कराएंगे, देखो ऐसे डायरेक्ट 0 आपको लिख लेना है और 12 का गुणा 2 में करा लेना है, 12 × 24 पाई आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो वॉल्यूम जब निकालेंगे, तो देखो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आपको लिख लेना, जब वॉल्यूम आप निकालेंगे तो क्यूब लगाना है, सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। 4 नंबर का क्वेश्चन इतना कर देंगे, 4 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक बात है। डायग्राम वगैरह बना दिया करो जिससे कि थोड़ा सा लगे कि हाँ ठीक ठाक है, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें मेरे प्यारे भाई। अगर आपको हमारी लैंग्वेज समझ में आ रही है, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है बढ़िया से, तो सब्सक्राइब आप हमारे चैनल पर, अगर नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, अगर सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपको 2022 के बोर्ड परीक्षा की तैयारी ना बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं आपको कंप्लीट प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लेना। अगर अपने दोस्त भी हैं आपके, ठीक है, कमीने दोस्त हैं तो उनके पास भी शेयर कर लेना, वो भी पढ़ा करें, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है। यहाँ पर कह रहा है कि एक घन का आयतन इतना दिया गया, ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो मैं आपको घन बना करके दिखा दूँ क्या, चलो एक घन मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ये आपका घन हो गया। अब कैसे बनाया जाएगा, ऐसे ऐसे कर लेना आपको, ठीक है, अब इनको मिला देना, चारों कोनों को मिला दो, तो ये आपका अच्छा सा घन हो गया, तो ये आपका बढ़िया घन बन गया, ठीक है, ऐसे ही बना लेना आपको, ठीक है। अब देखो ये घन की साइड होती है ना, तो ये आपका ए हो गया, ये भी घन की ही साइड है, ये आपका ए हो गया, ये भी घन की ही साइड है, तो ये आपका ए हो गया, ठीक है। अब कह रहा है एक घन का आयतन, तो देखो आयतन क्या होता है घन का, तो घन का आयतन आपको पता होगा कि घन का आयतन, देखो जो जो चीज़ें कह रहा है उसको पहले हम करते हैं, तो घन का आयतन होता है वॉल्यूम, ठीक है, साइड का क्यूब, तो साइड आपका ए है मतलब भुजा का क्यूब, ठीक है, तो ए क्यूब हो गया। अब देखो घन का आयतन आपको दिया ही गया है 1331 आपको दिया गया है, ये आपका हो जाएगा ए क्यूब, ठीक है, इसके बराबर दिया होगा। अब देखो मेरे प्यारे भाई, ये जो आपका 1331 है ना, ये क्या है, ये आपका होता है 11 का क्यूब, क्या होता है 11 का क्यूब, बराबर क्या हो जाएगा 1³ a का क्यूब हो जाएगा। आप करके देखना 11 का 3 बार गुणा कराना, 11 × 11 121 और 121 × 11 कराना, तो आपका 1331 ही आएगा। अब देखो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक बात है, तो ए बराबर कितना आ गया यहाँ से 11 आ गया, तो साइड आपका मिल गया 11, मतलब घन की साइड क्या है, ये 11 है आपकी, ठीक है, ये साइड कितनी है 11 है, सब साइड क्या है 11 है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब क्या करना है आपको, अब कह रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ आपको ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ, जब संपूर्ण पृष्ठ कहेगा, संपूर्ण पृष्ठ आपको ज्ञात करना है, तो मेरे प्यार भी संपूर्ण पृष्ठ को दर्शाते हैं टोटल सरफेस एरिया TSA से, ठीक है, TSA क्या होता है 6a² देखो एक क्यूब जो रूबिक क्यूब आती है ना, मेन क्यूब वही है, ठीक है, अगर देखना उसको जो रूबिक क्यूब आती है जिसको आप मिलाते हैं, आपके 9 होते हैं ना, 9 रंग आप कंबाइन करते हैं, तो देखो जब आप चारों कोण, जब देखो अगर कहेगा आपसे
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो चारों साइडों का आपको क्षेत्रफल निकालना रहता है। लेकिन जब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेगा तो ऊपर नीचे वाला भी आपको निकालना, घर पर है हमारे दिखाता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर तो है नहीं, ठीक है, तो आपको जो ऊपर नीचे प्लस चारों साइड मतलब छह पार्ट का आपको वहाँ पर क्या क्षेत्रफल निकालना रहता है, तो उसको हम क्या कर दिए, 6a², ठीक है। फॉर्मूला ये होता है संपूर्ण पृष्ठ, अगर नहीं पता डायरेक्ट रख लो यार, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a². अब यहाँ से 6 आपका कॉन्स्टेंट है, बाहर ही रहेगा, ए आपने निकाला है 11, तो 11 का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 6 × 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, 11 का स्क्वायर 121 होता है, पता होना चाहिए। अब 6 × 1 = 6 हो गया, 6 × 12 = 2 हो जाएगा, कैरी आपका 1 आएगा, 6 × 1 = 6 = 7, गुणा कराना 726 आएगा। अब देखो ये संपूर्ण पृष्ठ था, अब देखो यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है आपको, सेंटीमीटर क्यूब तो वॉल्यूम हो गया, लेकिन डायमेंशन क्या आपका मेन सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपका स्क्वायर लिखा जाएगा। देखो वॉल्यूम क्यूब में होता है, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट कर लें, फिर हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि ये क्वेश्चन भी आपका 2022 में ही आया था, 2022 में 2 नंबर में। अब ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी आपका 2022 में ही आया, 4 नंबर में। आप मॉडल पेपर उठा करके देख लेना ना, उसमें सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका 2022 में ही मेरे प्यारे भाई आया है आपका, 2022 में 4 नंबर में। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप देख लेना। एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई इतना दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठ इतना दिया गया है, इसके आधार का त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कर पाएंगे, देखिए सबसे पहले कोई दिक्कत नहीं है, कह रहा है एक लंब वृत्तीय शंकु कौन है आपका, ठीक है, शंकु है, मैंने आपको बताया हैप्पी बर्थडे वाली टोपी बना लो, ये हो गया आपका। अब इसमें कह रहा है कि त्रिज्या ऊंचाई आपको दिया गया, हाइट नहीं दिया गया, त्रिज्या ऊंचाई दिया गया, ये होती है आपकी त्रिज्या ऊंचाई एल, एल से डिनोट करते हैं इसे, तो एल आपका कितना दिया गया है, एल आपका दिया गया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ आपको दिया गया है, ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पर दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठ को टोटल सरफेस एरिया TSA से दर्शाते हैं, ये डायरेक्ट दिया गया आपको 90 पाई, क्या दिया गया 90 पाई दिया गया, ठीक है। अब आपको बताना है संपूर्ण पृष्ठ अगर 90 पाई के बराबर है तो संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है πr(l+r), ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है, ठीक है। अब इसको 90 के बराबर कर दो, 90 पाई के बराबर, 90 पाई के बराबर हो गया। अब देखो पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, कैंसिल हो गया, ठीक बात है, आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई तकलीफ हमको नहीं है। यहाँ पर हमको, अब देखो यहाँ पर एक बात हमको पता है कि आपका जो त्रिज्या ऊंचाई है, त्रिज्या ऊंचाई L, ये 13 सेंटीमीटर हमको पता है, तो जहाँ पर L है वहाँ पर 13 रख देते हैं, तो R इंटू में आपका ब्रेकेट में आपका 13 + r हो जाएगा, ये बराबर किसके हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब R का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 13r + r² बराबर किसके हो गया, 90 हो गया। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में अगर लिखें तो ये देखो r² + 13r, ये प्लस का 90 इधर जाएगा, इधर आ जाएगा, माइनस का 90 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 90 हो जाएगा, ये आपका हो गया माइनस का 90, ये बराबर 0 हो गया। अब देखो ये एक द्विघात समीकरण बन रहा है, अब द्विघात समीकरण को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे, देखो ये r² है, 90 को ऐसे ब्रेक करना है कि आपको क्या है, देखो 90 = 90 द्विघात समीकरण में पढ़ा होगा यार ना, 90 को ऐसे ब्रेक करो कि प्लस का 13 आ जाए, तो 90 को अगर हम ब्रेक करें आपका 18 × 90 मतलब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अगर हम प्लस का 18 आर और माइनस का 5r कर दें तो हमारा काम बन जाएगा द्विघात समीकरण, मैंने आपको अच्छे से बताया है, ठीक है, ये बातें बनेंगी, आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर दो दो का आपको पेयर बना लेना है, अब देखो यहाँ से r कॉमन मिल रहा है तो r प्लस का 18 हो जाएगा, यहाँ पर मेरे प्यारे भी माइनस का 5 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे भी आपका हो गया r माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 18 × 90 = 0। देखो यहाँ से हमने माइनस 5 कॉमन लिया तो यहाँ पर r बचा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर 18 आपका बचा, ठीक बात है। अब यहाँ पर आइए देख लेते हैं मेरे प्यारे भाई, आप जानते हैं ये देखो दो बार लिखा गया r + 18 r + 18, यहाँ से हमको एक बार लिखेंगे, r प्लस का 18 हो जाएगा, अब बचा क्या, बचा यहाँ से आपका r, यहाँ से माइनस का 5, तो ये r माइनस का 5 आपका बचा, इसको हम बराबर 0 के कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बार आप r प्लस 18 बराबर 0 करेंगे और एक बार आप r माइनस 5 बराबर 0 करेंगे, यहाँ से जब आप r प्लस 18 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर r की वैल्यू आपकी माइनस का 18 मिलेगा, और यहाँ पर r माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से r बराबर आपको 5 मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों यही देखना है आपको कि यहाँ पर देखो r की वैल्यू ऋणात्मक आ रही है,
तो ये मान हमको कैलकुलेट नहीं करना, त्रिज्या हमारी ऋणात्मक नहीं हो सकती। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आर का मान आपको 5 मिल रहा है, मतलब त्रिज्या हमारी धनात्मक ही होगी। तो अर्थात त्रिज्या आपका आधार की त्रिज्या ही आपको कैलकुलेट करना था, त्रिज्या आपका 5 हो जाएगा, मतलब 5 आपका यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। माइनस का 18 आपको नहीं लेना है, ठीक है, नोट कर लें।